नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लिटोन और आप सब लोगों को मेरे चैनल एल टेक न्यूज पे स्वागत है। तो दोस्तों, शाओमी ने तो मतलब एकदम कमाल कर दिया है, अनबिलीवेबल प्राइस में दो स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। एक है रेडमी K30 5G वेरिएंट और दूसरा है रेडमी K30 4G वेरिएंट। मतलब इतने अफोर्डेबल प्राइस में 5G फोन लेके आना नेक्स्ट टू इम्पोसिबल था, जो शाओमी ने पॉसिबल करके दिखा दिया। इसीलिए शाओमी को मिड रेंज किंग कहा जाता है। मैंने तो सोचा भी नहीं था शाओमी इतना जल्द 5G फोन लेके आ जाएगा, वो भी इतने अफोर्डेबल प्राइस में। सच में बिग थैंक्स टू शाओमी। दोनों फोन के प्राइस के बारे में मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। और साथ में आप लोगों को दोनों फोन के कुछ खास फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में भी बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले इसके स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। इसमें 6.67 इंच FHD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो आता है इन डिस्प्ले डुअल सेल्फी कैमरा के साथ। डिस्प्ले की प्रोटेक्शन की बात करें तो इसके फ्रंट एंड बैक में हमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। डिस्प्ले की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 20:9, जो आता है 120 हर्ज रिफ्रेश रेट के साथ, जो इस डिस्प्ले को और भी बेहतर बना देता है। सेम डिस्प्ले हमें रेडमी K30 4G वेरिएंट पे भी देखने को मिलता है। इस फोन में हमें 4 कलर वेरिएंट देखने को मिलता है। शाओमी इस बार कलर कॉम्बिनेशन काफी अट्रैक्टिव लेके आ रहा है। अब बात करते हैं दोनों फोन के मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट की, जो कि इसका प्रोसेसर। तो Redmi K30 5G वेरिएंट पे हमें Snapdragon 760 5G वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो बेस्ड है 7nm टेक्नोलॉजी पर। मतलब इसका 5G वेरिएंट काफी बैटरी एफिशिएंट होने वाला है। वही दूसरी तरफ Redmi K30 4G वेरिएंट पे 730G वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर कैमरा की बात करें तो दोनों में ही पीछे की तरफ क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जिसका प्राइमरी कैमरा है 64 मेगापिक्सल, जो आता है सोनी का लेटेस्ट IMX686 सेंसर के साथ। सोनी का ये लेटेस्ट IMX686 सेंसर पहली बार हमें इस फोन में ही देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का जो कैमरा मॉड्यूल है वो मुझे काफी कूल लगा है। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें डुअल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, एक है 20 मेगापिक्सल और दूसरा है 2 मेगापिक्सल। इसके 4G वेरिएंट में भी हमें सेम कैमरा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दोनों फोन की बैटरी की। तो दोनों में ही हमें 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलता है, लेकिन इसके 5G वेरिएंट पे हमें 30 वाट का फास्ट चार्जर बॉक्स में मिलता है। वही दूसरी तरफ इसके 4G वेरिएंट पे हमें सिर्फ 27 वाट का फास्ट चार्जर बॉक्स में मिलता है। 4000 mAh की बैटरी को 30 वाट का फास्ट चार्जर सिर्फ 1 आवर में ही फुल चार्ज करके दे रहा है, जो काफी इंप्रेसिव है। और बाकी जितने भी सेंसर वगैरह है सब कुछ हमें इस फोन में देखने को मिल जाता है। 3.5mm जैक एंड टाइप सी पोर्ट वगैरह भी देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं दोनों फोन की प्राइस की। तो इसका 5G वेरिएंट स्टार्ट होता है सिर्फ 19,999 रुपीज से, जिसमें 6GB प्लस 64GB मेमोरी वेरिएंट देखने को मिलता है। वही दूसरी तरफ इसका 4G वेरिएंट स्टार्ट होता है सिर्फ 16,999 रुपीज से। चाइना में तो इसी प्राइस में लॉन्च हुआ है, आशा करता हूँ इंडिया में भी इसके आसपास ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को दोनों फोन का प्राइस कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना दोस्तों, क्योंकि रात के 4 बजे बैठकर आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को कुछ मदद कर सकूं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप स्माइलिंग।